योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब 5000 में होगी रजिस्ट्री, डिजिटल के जरिए होगी रजिस्ट्री। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही यूपी सरकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के बाद से देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य बन गया है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा फैसला है जिसकी तारीफ लगातार हो रही है और ये आपके लिए कैसे फायदेमंद है। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी, रजिस्ट्री के लिए फाइल लेकर दफ्तर के चक्कर लगाने से भी लोग बच सकेंगे। यूपी सरकार ने संपत्ति की बिक्री और खरीद के लिए ई रजिस्ट्रेशन को लागू कर दिया है। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही ये सुविधा लोगों को मिलेगी। वहीं अब यूपी में संपत्ति का बंटवारा भी सिर्फ 5000 रुपए में हो सकेगा। स्टैम्प शुल्क घटाने के फैसले से संपत्ति के विवादों में कमी आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने पर रजिस्ट्री के लिए स्टैम्प फीस भी डिजिटली जमा होगी और ईमेल से आवंटी तक डीड पहुंचेगी। पूरी प्रक्रिया और उसकी जांच डिजिटली हो सकेगी, जो आम जनता की राहों को काफी आसान करने वाली है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस टाइमिंग में ही होगा। वहीं इस फैसले के साथ ही यूपी जो है ई रजिस्ट्री वाला देश का दूसरा राज्य होगा। अभी तक ई रजिस्ट्री की सुविधा सिर्फ महाराष्ट्र में ही थी। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन कार्यालय में भीड़ का दबाव भी कम होगा। इसकी प्रक्रिया सबसे पहले सरकारी विभागों से शुरू की गई है। प्रदेश के सभी प्राधिकरणों और निगमों में ये व्यवस्था होगी। इसके तहत रजिस्ट्री के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा। सरकारी विभागों में जमीनों का रजिस्ट्रेशन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन ये 5000 में कैसे होगा तो सुनिए। आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा 5000 रुपए में हो जाएगा और इसके लिए नए फॉर्मूले के तहत काम होगा। उत्तर प्रदेश में सालाना लगभग 40 लाख रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री और संपत्ति बंटवारे में अक्सर ये देखा जाता है कि विवाद की स्थिति रहती है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिए गए थे। वहीं अब स्टैंप और पंजीकरण मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर निर्देश दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।